हेलो गाइस, मैं हूँ बिंजीत। वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ बातें किचन से शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि सुबह का अभी बहुत टाइम हो गया है, 10:10 o'clock हो गया है और सुबह हमारा बहुत लेट शुरू हुआ है। कल रात को मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कुछ बातों को लेकर, उसकी वजह से सोने में थोड़ा लेट हो गया और उठते भी थोड़ा लेट हो गया है। और अभी मुझे हेल्प करने के लिए आए हैं ल्यूक्स रेसिडेंसी के सारे जो हेल्पर हैं वो। तो जैसे आप लोग देख सकते हो पीछे करे हैं, मेरे घर को मैं डीप क्लीन करवा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को पता था कोई मेड नहीं है यहाँ पर, मुझे अकेला काम करना पड़ता है। और कल है मेरे घर में पार्टी और बहुत बड़ा सा पार्टी है, एम्बेसी के सारे लोग आ रहे हैं मेरे घर में। तो फिर आज बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक भी चल रहा है तो मैं थोड़ी देर के लिए म्यूट कर देती हूँ। मैंने म्यूट कर दिया म्यूज़िक बात करने की सुविधा के लिए। तो एक्चुअली कल होगा मेरे घर में पार्टी और क्योंकि हम लोग अभी बीमारी से उठे हैं तो हमने क्लीन करने के लिए सोचा ही नहीं, हमने सोचा है कि घर का जो भी मेसी हालत है वो सारे इन लोगों से क्लीन करवा देते हैं। तो ये लोग आए हैं तो एक्चुअली यहाँ से करवा सकते हो आप। ल्यूक्स रेसिडेंसी का खुद का एक मतलब ये है कि इनका खुद का स्टाफ है तो आप इनको बुलाकर आप एक दिन के लिए अपना घर क्लीन कर सकते हो। एक दिन क्या, रोज ही कर सकते हो लेकिन एक दिन का चार्जेस होता है 1500 पेशो। तो उसमें टॉयलेट भी इंक्लूडेड है। देखो ये वाला टॉयलेट उन्होंने क्लीन कर दिया है, सो देख सकते हो पूरा टॉयलेट क्लीन कर दिया है। इस साइड है मैं कोमोड जो कि मैं नहीं दिखा रही हूँ, ब्लॉग में दिखाना सही नहीं लगता है। और बस ये हो गया है सारे क्लीन अप, सारे फ्लोर भी क्लीन कर दिया है, पूरा ग्लासेस भी क्लीन कर दिए हैं और बालकनी भी क्लीन हो चुका है। अभी फिलहाल इस रूम का क्लीन कर रही है। सो यहाँ पे क्लीनिंग चल रहा है और बालकनी देखो बिल्कुल धो के एकदम चकाचक कर दिया है सबने। तो अभी ये ग्लास जो है वो क्लीन करना बाकी है अभी इस रूम में जो है। और एक बंदी है जो कि पूरा बाथटब वगैरह सब कुछ क्लीन कर रही है और सुप्रीम यहाँ पर अमायरा को खिलाने की कोशिश कर रहा है। और अंदर मैं कर रही हूँ कुकिंग, टेबल वगैरह सब कुछ क्लीन करना बाकी है। अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ कुकिंग, यहाँ पे मैं अभी छोले बना रही हूँ क्योंकि कुछ मेंबर है जो नॉन वेज है और कुछ मेंबर नॉन वेज है। तो नॉन वेज मेंबर के लिए मैं चिकन बिरयानी बनाने वाली हूँ, मटन बनाने वाली हूँ और यहाँ पे है छोले जो कि मैं वेज मेंबर के लिए बनाऊंगी। और भी चीज़ें होगा जो कि मुझे बनाना होगा। तो फिलहाल मैं प्याज को फ्राई कर रही हूँ। काम करते वक्त म्यूज़िक सुनना बहुत अच्छा है। अब तक हिंदी म्यूज़िक चल रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना फिलिपिनो सॉन्ग चला देते हैं तो इन लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो देखो दोस्तों फिलिपिनो सॉन्ग चलाने के बाद इन लोगों का डांस देखो, क्या मस्ती है, छा गया है इन लोगों में और काम करने का नशा भी दुगना हो गया है। देखो दोस्तों अगर आपके द्वारा किसी इंसान के फेस पे स्माइल आ जाए तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने थोड़ा सा कोशिश किया, इन लोगों काम कर रहे थे, थोड़ा सा म्यूज़िक इन लोगों को सुनाकर खुश करने का और ये लोग इतना खुश हो गए, खुश होकर डांस करना शुरू कर दिए। और अमायरा को भी ये लोग बहुत प्यार करते हैं, हमेशा उसको मगांदा बेबी, क्यूट बेबी कहकर पुकारते हैं। तो अमायरा को भी ये लोग लेकर डांस करवा रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सब बहुत हंसमुख है दोस्तों। देखो दोस्तों मैं बोलती हूँ ना, मेरे घर गेस्ट आना मतलब बारिशों का आना।
तो कभी भी गेस्ट आने के बाद होता है तो बारिश आ जाता है। इतना जोर से बारिश आ रहा है यहाँ, देखो इतने अच्छे से बालकनी क्लीन करके गया और कितना जोर से बारिश शुरू हो गई है, बहुत जोर से बारिश हो गई है, शुरू हो गई है। और अमायरा जा रही है भीगने के लिए, अभी अभी निमोनिया से उठे हो, अभी उसको जाना है बारिश में। सो देखो बिल्कुल रूम एकदम क्लीन करके देके गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। अमायरा कम, अमायरा कम, शुक्रियो, ओ बारंदा चलेगा, चौके धोड़ो, उसको बराबर से ही रेन पसंद है और रेन देखते ही वो रह नहीं पाती है घर में। तो अभी देखो आ गया है, बहुत जोर से बारिश हुआ है, इतनी जोर से बारिश बहुत दिनों बाद हुआ है। सो लाइट मैंने ऑफ करके रखी है, इस रूम का क्लीनिंग हो गया है। यहाँ पे देखो बिल्कुल चकाचक हो गया है सारे रूम, यहाँ के भी पूरा क्लीनिंग हो चुका है, चद्दर चेंज करके दिया है। सबसे अच्छा क्लीनिंग हुआ है टॉयलेट का, जो कि मैं बिल्कुल करने का मुझे टाइम नहीं मिलता है। सो देखो टॉयलेट कितनी अच्छे तरह से सारे क्लीन हो गया है, बेसिन वगैरह, आईना, सब कुछ। और यहाँ पे तो मैंने कल क्लीन किया था। और देखो दोस्तों ये सारे न्यू एडिशन है, ये हमने फ्रेम यहाँ पे लगाया है, यहाँ पे लगाया है, और यहाँ पे टीवी चल रहा है अभी। और ये सारे भी क्लीन हो चुका है। और फिलहाल यहाँ पे मैं अभी कुकिंग करूँगी, किचन क्लीन नहीं हुआ है क्योंकि किचन जो है वो अभी तक क्लीन नहीं हुआ है क्योंकि ये लोग लंच टाइम में बहुत ज्यादा परफेक्ट है, जैसा कि मैं पहले के ब्लॉग में बता चुकी हूँ। तो 12 बजने को आया है तो इनका लंच टाइम शुरू हो गया है, और पीछे देखो सारे बोतल मैंने भर के रखा है। तो लंच टाइम शुरू होने वाला है इन लोगों का, इसीलिए वो लोग चले गए। तो लोगों ने मुझे कहा कि 3:30 के बाद वो लोग आएंगे और मेरा जो किचन है उसको डीप क्लीन करके चले जाएंगे। वैसे किचन का नीचे का हिस्सा जो है वो उसने क्लीन कर दिया, बस ऊपर ऊपर का ही बाकी है। और फिलहाल मैं जा रही हूँ खाना बनाने, 12 बज गया है। लंच में क्या कहूँगी वो भी अभी तय नहीं हुआ है कि क्या खाएंगे, क्या खाएंगे लंच में। तो चलो बस छोले बन चुका है मेरा, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, ये रहा छोले जो कि बिल्कुल प्रिपेयर हो गया है। इसमें दाल मखनी का दाल मैंने बॉइल करके रखा है। और हमारा कुछ कहना चाहती है, अच्छा ये अच्छा 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 मैं लगा देती हूँ। हाय दोस्तों, अभी बज रहा है दोपहर के 1:15 और मैं अभी नहा के आई हूँ रूम में अमायरा को खाना खिलाने के लिए। ये रहा अमायरा का खाना जो कि मैं यहाँ पे आके ला के रखी हूँ। अभी अमायरा भी रेडी है, उसको भूख भी लग गई है, तो मैं जल्दी जल्दी इसको खाना खिला देती हूँ। कुछ हद तक किचन का काम हुआ है और कुछ काम बाकी है। अमायरा दोपहर में सो जाती है तो मैं दोपहर का करूँगी। और हमारा लंच अभी तक नहीं हुआ है, शुक्रियो लंच गर्म कर रहे हैं, शुक्रियो पहले खा रहे उसके बाद मैं खाऊँगी। अभी भी बहुत सारा काम बाकी है, बहुत सारे बर्तन करना बाकी है, घर तो सफाई हो गया है, बहुत सारे बर्तन बाकी है, और फिर कुछ घर सजाने की टुक टाक काम भी है, वो भी करना पड़ेगा। तो चलो फिलहाल अमायरा का लंच करवा देते हैं, बाद में बात करते हैं। सो दोस्तों हालत देखो, खाना बनाते बनाते मैं भूल ही गई कि ब्लॉग करना है। अभी टाइम हो गया है 8:20, तो बहुत लेट हो गया है। बहुत सारा खाना बन चुका है और बस दो ही आइटम है जो कि बनना बाकी है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा चटनी बन चुका है जो कि टमाटर का चटनी है, बंगाली वाला, वही बनाया है हमने। और फिर इसमें मटन कोरमा बनाया है, और यहाँ पे चिकन मैंने बना के रख दिया है कल का बिरयानी के लिए, बहुत अच्छा कलर आया है चिकन का। और अंदर फिलहाल अमायरा का खाना जो है वो बन रहा है, और यहाँ पे है शाही पनीर जो कि अभी अभी बना के रखे हैं, और बनेगा मिक्स वेज जिसके लिए फूलगोभी मैंने काट के इसको उबाल के रखे हैं, और यहाँ पे है वेजिटेबल्स तो अभी बनेगा मिक्स्ड वेज। और जो आइटम जैसे मैंने बताया कि दो आइटम बनने के लिए बाकी है, उसमें से एक है हनी चिकन, जिसका चिकन सुप्रियो ने कहा था कि मैं बोनलेस वाला लाऊंगा। तो सुबह सुप्रियो सलसडो गए थे, सलसडो से उसको बस मतलब दो ही चिकन ऑर्गेनिक मिला था और बाकी नहीं मिला था, तो उसमें तो बिरयानी के लिए ही चले गए। पूरा इसमें 1.5 किलो चिकन है बिरयानी का, और 1.5 किलो मटन है। देखो मटन 1.5 किलो कितना हो गया, इतना कम हो गया।
तो फिर भी चिकन जो है बोनलेस चाहिए, तो बोनलेस के लिए वो गया है लैंडमार्क, लैंडमार्क से लाएंगे, वहाँ के चिकन फिर भी अच्छा होता है, तो उसी से हम बनाएंगे हनी चिकन। ये एक आइटम जो है जो हम कल बनाएंगे, क्योंकि कल शाम को वो लोग आ रहे हैं तो हम दोपहर को बनाएंगे, सुबह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड जो आइटम है वो है मिक्स्ड वेज, जो कि मैं अभी बनाने के लिए सोच रही हूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कम से कम 90% जो खाना है वो आज रात को ही बन जाए, फिर मैं सुबह घर डेकोरेट करने में, चद्दर वगैरह चेंज करने में, ये सब काम में मैं बिता पाऊंगी। फिर ऐसा होता है ना, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती हूँ, इतने सारे लोग आ रहे हैं, इतना छोटू सा जगह है, कहाँ पता नहीं अभी, मतलब मेरा घर मेरे लिए बहुत बड़ा लगता है, लेकिन इतने सारे लोग आ रहे हैं तो मेरे सामने मेरा घर इतना छोटू सा लग रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है, चलो हम देखते हैं कितने जितना भी हो सके मैनेज कर पाएंगे। तो फिलहाल मैं आज शायद और ब्लॉग नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि मुझे हमारा का खाना बनाना है, उसकी चावल बनाना है, फिर आज रात को क्या खाएंगे देखते हैं वो बनाना है, तो सब कुछ मैं बिजी हो जाऊंगी, तो डायरेक्ट कल सुबह बात करते हैं। तो गेस्ट सारे आ चुके हैं, सुबह से बिल्कुल वीडियो करने का वक्त नहीं मिला है, पीछे देखो ऐसा सेटअप लगा रखे हैं, यहाँ पे सारे खाना वगैरह बन चुका है, ये रहा मेरा दाल मखनी, यहाँ पे मैंने छोले रखे हैं, और यहाँ पे जीरा राइस बनाया है, ये सारे अभी बाहर जाने वाले हैं, और यहाँ पे बना है बिरयानी, और यहाँ पे हनी चिकन, ये शाही पनीर, और इसमें मिक्स्ड वेज, और इसमें है रायता, और मटन जो है वो गर्म हो रहा है, और बिरयानी मैंने दोनों जगह में बनाई है। तो दोस्तों गेस्ट अभी चले गए हैं, अभी बज रहे हैं 11 और मैंने जल्दी से चेंज कर लिया, क्योंकि मुझे अमारा को खाना खिलाना है, अमारा तब आधा खाना खाई थी और आधा खाना अभी यहाँ पे मैं लेके बैठी हूँ उसको खिलाने के लिए, बहुत ज़्यादा नॉटी ही हो गई है, वो नहीं खा रही है, और मैंने अभी भी अपना मुंह हाथ नहीं धोए हैं, बस अब ड्रेस चेंज किया है उसको आराम से खाना खिलाने के लिए। तो मैंने सोचा ब्लॉग का एंड में यहीं पे कर देती हूँ, और मैं एक बार दिखा दूँ कि सब लोगों के साथ इतना ज़्यादा मज़ा हुआ, और सब लोगों को खाना तो बहुत अच्छा लगा और बहुत तारीफ़ किए, तो मैंने कुछ बर्तन भी उसके बाद धोए हैं, और उन लोगों के साथ गाना वगैरह सब कुछ हो रहा था यहाँ पर कराओके चला के। तो अभी फ़िलहाल मैंने सोचा ब्लॉग ज़्यादा लेंदी हो रहा है, तो ब्लॉग का एंड में कर देती हूँ, और मैं एक बार दिखा देती हूँ कि वो लोग क्या क्या लाए थे हमारे लिए। तो बहुत सारे गिफ्ट लाए हैं, तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, और शेयर करते करते इस ब्लॉग का एंड हम यहीं पे करते हैं। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो मेरे ब्लॉग में तो जाने से पहले लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक अगर आपकी ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम आती है तो उसे क्लीन बोल करते रहिए, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ब्यूटीफुल। तो आइए हम गिफ्ट देखते हैं। सो देखो हमारा खाना खाने बैठी है, लेकिन वो सारे गिफ्ट लेके बैठी है, उसको सारे गिफ्ट बहुत पसंद आ रहा है। तो इसमें चॉकलेट है, इसमें भी चॉकलेट है, इसमें भी चॉकलेट है फेरेरो रॉचर के, और उसमें भी एक चॉकलेट है, शुक्रिया थोड़ा सा दिखा। अरे ये सारे कितने सारे चॉकलेट हमारा के लिए लाए हैं, और इसमें भी है अल्फ्रेडो गोल्ड कलेक्शन, इसमें भी चॉकलेट है। इसमें जो चीज़ है वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, बहुत सुंदर है, ग्लासवेयर के कैंडी डिस्क, बहुत सुंदर सा है, देखिए ये पूरा ग्लास का है, जो कि हमारा देखते ही छलांग लगा चुकी है, हमारा अभी तोड़ देगी इसे, तो इसको रख देते हैं। और इसमें एक कैसरोल टाइप्स का है, इसमें खोलने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से ही दिखाई दे रही है, ऐसे कैसरोल है ग्लास के। और हमारा के लिए एक टॉप लाई है जो कि बहुत ही सुंदर है, ये देखिए रेड कलर की, जो कि हमारा क्रिसमस में पहनेगी, है ना, बहुत सुंदर है। और इसमें क्या है, मैंने अभी खोला नहीं है, इसमें संता मुझे लगता है, संता ही लगता है ना, नहीं लाइट्स है कुछ, अच्छा लाइट्स है कुछ। माय गॉड, वाह मायरा, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वाह मायरा, संता बुडो। सो दोस्तों बाय बाय, थैंक यू सो मच अब तक मेरे ब्लॉग देखने के लिए, हम मिलते हैं अगला ब्लॉग में, टाटा दोस्तों।